काला डूंगी तहसील के कोटाबाग ब्लॉक के ग्रामीण सिंचाई और पानी के पीने के पानी को तरस रहे हैं। कोटाबाग के ग्रामीण सिंचाई करने और पानी नहीं मिलने से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस भीषण गर्मी के चलते बागवानी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लीची और आम के पेड़ पूरी तरह से सूख गए हैं। बागवानी ठेकेदार तो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लीची पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान बागवानी को उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द ही सिंचाई विभाग और जल संस्थान से पानी शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही है। हमारे बात को कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ एसडीओ तक, वहाँ तक हमने देहरादून तक हमने शिकायत कर दी। वहाँ केवल एक ही शिकायत होती है कि हमने आपका शिकायत नोट कर लिया है, वहीं कुछ सुनवाई नहीं होती है। पांच मई से पानी बंद है, नल में 8 दिन हो गए नल में पानी बंद है। तो कहाँ से लाए साहब, 6 किलोमीटर पानी पड़ता है यहाँ से वहाँ नाले में। अगर जाए बोर नदी में जाए तो हमें फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। गायों का पानी पिलाने को नहीं है, गाय पानी के प्यासे मर रही है, आदमी पानी के प्यासे मर रही है, क्या करें साहब। मेरी यहाँ कम से कम 3-4 एकड़ जमीन है, जिसमें मेरे कुछ लीची के बाग लगे हैं और कुछ खेती वगैरह चारा वगैरह लगा है। तो इसमें जो है लीची के बगीचे में ना ट्यूबवेल से, और सिंचाई विभाग ने पिछले 5 मई से पानी बंद कर रखा है। आज 23 मई तक भी पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। कल हमारी इनके एसडीओ से बात हुई तो वो कहते हैं कि जेई साहब जाने, जेई साहब से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी पानी को 10 दिन लगेंगे, तब तक हमारे मतलब लीची पूरी खत्म हो जाएगी।